आज का विषय रहेगा वैज्ञानिक दृष्टिकोण, लेकिन इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण को हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण सिर्फ दृष्टिकोण के नाम से नहीं जाना जाता, वैज्ञानिक चेतना, वैज्ञानिक संचेतना, अलग अलग तरीके के नाम दिए गए हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण को। सबसे पहले मैं बात करूँ तो एक कोट है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं थे, उन्होंने कहा था कि ये साइंस और प्रौद्योगिकी, या कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस और टेक्नोलॉजी से इस समाज के बहुत सारे बर्डन्स को दूर किया गया है और ये हमारे सबसे बड़ी ताकत है। हमें ग्रेट पावर दी है इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। मैंने जिक्र इसलिए शुरू किया है कि आगे जब बात करेंगे तो जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करते हैं तो उनमें जवाहरलाल नेहरू का बहुत बड़ा योगदान है। तो सबसे पहले बात करते हैं ये दृष्टिकोण का मतलब क्या है, इसका विज्ञान से क्या रिश्ता है, विज्ञान का विज्ञान की समझ से भी ताल्लुक है या नहीं है, या वैज्ञानिक दृष्टिकोण वैज्ञानिक समझ से और भी आगे है, थोड़ा सा परे है, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण सिर्फ वैज्ञानिक समझ नहीं है, उसे ऊपर की बात है, ये एक सोच का तरीका है। सोच का तरीके का मतलब है ये एक क्रिया है, और क्रिया होना इसका मतलब है उस क्रिया में लगातार बदलाव होना भी जरूरी है, लेकिन ये खास क्रिया है। खास क्रिया का मतलब है कि ये तर्क पे आधारित है, बिल्कुल तर्क संगत है, ये लॉजिकल है, बिल्कुल रैशनल है। तो इसीलिए इस क्रिया में जब तक तर्क, लॉजिक और रैशनलिटी नहीं है तो ये सिर्फ समझ तक सीमित रह जाती है। इसमें विज्ञान का एक तरीका होता है विज्ञान को करने का, उस सोच में भी, हमारी सोच में भी विज्ञान का तरीका निहित है, उसमें है। विज्ञान का तरीका होता है कि हम कुछ हाइपोथेसिस बनाते हैं, हम कुछ विचार करते हैं, उसके बाद कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ निष्कर्ष निकालते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं, इन सारी चीज़ों को मिला के हम एक वैज्ञानिक सोच का तरीका या वैज्ञानिक विज्ञान को करने का तरीका है। इसी तरीके से अगर हमारी सोच में भी ऑब्जर्वेशन हो, हाइपोथेसिस हो और एक्सपेरिमेंटेशन हो और एविडेंस बेस्ड चीज़ें हों तो हम उसको विज्ञान का तरीका बोलते हैं। तो वैज्ञानिक चेतना में विज्ञान का तरीका होना बहुत ही, उसमें निहित होना जरूरी है। इसमें चर्चा, डिस्कशन भी होता है, आर्गुमेंट्स भी होते हैं, एनालिसिस भी होता है। ऐसा नहीं है जो किसी ने बात कह दी वो बात एकदम उसके ऊपर चर्चा ही ना हो। तो चर्चा होना, उसके ऊपर कमेंट्स आना, उसके ऊपर एनालिसिस दोबारा से करना, ये वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण में सब चीजें निहित हैं। इसके साथ साथ अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करें तो उसमें फेयरनेस होना बहुत जरूरी है, बिल्कुल फेयर होना चाहिए, सब इक्वल होने चाहिए। ये नहीं है कि ये बड़ा है, ये छोटा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, इस तरीके की कोई बात नहीं होती है। निष्पक्षता भी है, बिल्कुल एकदम निष्पक्ष है, फेयर है, इक्वल है। और इसमें जो सबसे बड़ा हथियार है सामाजिक दृष्टिकोण का कि उसमें लोकतांत्रिक तरीके, जिसको डेमोक्रेटिक वैल्यूज कहते हैं, ये तत्व सारे सम्मिलित हैं इस दृष्टिकोण में, जब जाके हम वैज्ञानिक समझ से आगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण या वैज्ञानिक चेतना की बात करते हैं। इस शब्द को मैं कहूं, इस शब्द से शुरू करते हैं, तो आज तक किसी देश में वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसा शब्द नहीं है, शायद आज है। सबसे पहले देश, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब में इसको मेंशन किया था, जिसका नाम था डिस्कवरी ऑफ इंडिया, सब जानते हैं, 1946 में यह प्रकाशित हुई। तो उसमें सबसे पहले नेहरू ने साइंटिफिक टेंपर का उल्लेख किया और उसके बाद से बहस छिड़ी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है। आज पश्चिमी देश में लोग पूछते हैं कि वैज्ञानिक या वैज्ञानिक दृष्टिकोण या साइंटिफिक टेंपर, व्हाट इज मेंट बाय साइंटिफिक टेंपर, लोग पूछते हैं, रॉयल सोसाइटी के लोग भी आके पूछते हैं। तो लेकिन मुझे क्या, सभी को लगता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो बेस है वैज्ञानिक दृष्टिकोण को मेंशन करने का, जो बेस है, शायद ये बहुत पहले आया होगा,
उनके दिमाग में, क्योंकि 19वीं सदी के दो खास विचारक हमारे साथ हैं जिन्होंने बहुत ही सटीक बात कही थी। एक ने बिल्कुल विज्ञान के तरीके से बात की थी, दूसरे विचारक ने उसको दूसरे तरीके से बात की थी। चार्ल्स डार्विन, सबने नाम सुना है, विकास का सिद्धांत उन्होंने ही दिया है, आरवी डार्विनिज्म को माना जाता है। हालांकि विकास के सिद्धांत के, डार्विन के विकास के सिद्धांत के साथ कुछ और सिद्धांत भी आए हैं, लेकिन उनको जनक माना जाता है विकास के सिद्धांत का। उन्होंने क्या कहा कि विचारों की स्वतंत्रता दिमाग को सर्वोत्तम रूप से विकसित करती है, मतलब सबसे बड़ा हथियार है विज्ञान जो कि विचारों की स्वतंत्रता प्रदान करता है। और इसे और क्या होता है जो विज्ञान की प्रगति को आगे बढ़ाती है। विज्ञान से दिमाग बढ़ता है और दिमाग से विज्ञान बढ़ता है, दोनों आपस में एक दूसरे के पूरक हैं। ये चार्ल्स डार्विन ने 19वीं सदी में बात की। इसका मतलब था कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण की पृष्ठभूमि चार्ल्स डार्विन ने तैयार कर दी थी। दूसरे एक और विचारक हैं, वो थोड़े से सामाजिक सोशल साइंटिस्ट के नाम से एक बहुत बड़ा नाम है कार्ल मार्क्स का। उन्होंने विज्ञान के तरीके से बात नहीं की, उन्होंने धर्म को लेकर बात की कि आप जड़त्व ना हो जाएं, धर्म की आड़ में आदमी हृदयहीन हो जाता है, वो आत्मा विहीन हो जाता है, उसमें आत्मा नहीं बनती और ये लोगों की अफीम का काम करता है। इसका मतलब क्या था कि आप धर्म जो कि बहुत, एक बारी जो कहा गया धर्म में वो कहा गया, उसमें बदलाव नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने कहा कि एक नशे के तरीके से हम धर्म को इस्तेमाल करते हैं। तो ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण को कहने का दूसरा पहलू था। कार्ल मार्क्स ने दूसरे पहलू से इसको इस्तेमाल किया, लेकिन चार्ल्स डार्विन ने इसको दूसरे तरीके से कहा। और ये शायद बेसिस था, ये शायद बेस था कि नेहरू ने अपनी, पंडित नेहरू जी ने अपनी पुस्तक में डिस्कवरी ऑफ इंडिया में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का जिक्र किया। चलिए थोड़ी सी बात करते हैं कि नेहरू जी की वैज्ञानिक सोच का मतलब क्या था। उनका कहना था, उनका अपना कहा, उन्होंने अपनी किताब में आगे उसको मेंशन किया कि विज्ञान एक विशेष ज्ञान है, पहली बात तो यह है, और यह अकेला ज्ञान है जो देश के अंदर से भूख और गरीबी को दूर कर सकता है, अशिक्षा जैसी चीज को भी दूर कर सकता है। हमारे देश के अंदर जितने भी अंधविश्वास हैं और यह रॉन्ग बिलीफ्स हैं जो बहुत घातक हैं हमारे हैं, और जो हमारे लिए समस्याएं पैदा कर सकते हैं, करते हैं, अभी भी करते हैं, जो हमारे अंधविश्वास हैं, वो हमारे जितनी भी समस्याओं का हल जो है वो विज्ञान के द्वारा हो सकता है। और इसके साथ साथ जो और भी आगे चले, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लेकर उन्होंने जो बात कही वो ये था कि ये देश के जितने रिसोर्सेज हैं, जितने संसाधन हैं, उसकी बर्बादी को रोक सकता है, और विज्ञान और प्रौद्योगिकी ही रोक सकते हैं। क्योंकि हम अपने देश की बात करते हैं, अपने भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, तो एक बहुत बड़ी कहावत है हिंदुस्तान के लिए कि इंडिया इज ए रिच कंट्री इनहेबिटेड बाय द पुअर। हम अमीर देश के गरीब प्राणी हैं, गरीब निवासी हैं, गरीब नागरिक हैं। तो इसको अगर हमने इसका उत्तर देना है, हमें भी अमीर बनना है, तो हमें वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी दृष्टि से अमीर बनना पड़ेगा, उनका यह मानना था। उन्होंने ये बात कही, इससे आगे भी बढ़े कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण सिर्फ विज्ञान को बढ़ाने के लिए बात नहीं करता है, या विज्ञान हमारे देश में हो जाए और सब कुछ हो जाए, नहीं, सामाजिक आर्थिक विकास के लिए भी बहुत जरूरी है। ऐसा ही नहीं है कि विज्ञान के तौर से हम विकसित हो जाएं और आर्थिक दृष्टि से पीछे रह जाएं या सामाजिक दृष्टि से पीछे रह जाएं। इसलिए शायद उन्होंने अंधविश्वास को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जोड़ने की बात करी थी, वही सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से विकास। रिसोर्सेज की बात करी तो उन्होंने आर्थिक दृष्टि की बात करी, इसलिए उन्होंने दोनों ही चीजें वैज्ञानिक दृष्टि से अगर विकसित हो जाएंगे तो हम शायद सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से भी विकसित होना चाहिए हमें, ये उनकी वो बात थी। उस समय की सरकार थी, उन्होंने कुछ अपने उपाय लिए और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए
अलग अलग तरीकों को अपनाया गया, क्योंकि हमारा देश शायद उस समय में स्वतंत्र हुआ था, तो इनकी प्रायोरिटीज और भी ज़्यादा थी, और भी प्रायोरिटीज थी, लेकिन ये प्रायोरिटी भी थी कि हर नागरिक को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चीज़ों को समझना चाहिए। और खासकर हमारा देश बिल्कुल जकड़ा हुआ था हमारे अंधविश्वासों में, और जो रॉन्ग बिलीफ्स हैं, सिर्फ अंधविश्वास ना कहें, हम रॉन्ग बिलीफ्स भी कहें। सती प्रथा बहुत पुरानी वो रही हैं, बाल विवाह होता था, भ्रूण हत्या होती थी, कन्या आज भी होती हैं, खैर आप बहुत कम हैं, लेकिन ये सब चीज़ें हमारे समाज का हिस्सा बन गई थी। तो इन चीज़ों को जो सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं हमारे देश के अंदर, उन्होंने तो कहा ही, लेकिन नेहरू जी का ये विश्वास था कि अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण होगा तो हम इन जैसी कुरीतियों से दूर निकल सकते हैं। क्या इतनी सी बात थी वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में? क्या और कुछ महत्वपूर्ण है क्या? वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्यों महत्वपूर्ण है, इसकी क्रिया क्यों महत्वपूर्ण है, और ये किस तरीके से हमारे जीवन में निहित है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण निहित होना चाहिए, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करें। खास अगर विज्ञान को हम विशेष ज्ञान कहते हैं तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी एक विशेष दृष्टिकोण है। ये एक प्रक्रिया है और लगातार है। विज्ञान में कोई शब्द अंतिम शब्द नहीं है, अंतिम शब्द को भी क्वेश्चन किया जाता है। ये विज्ञान की क्रिया है जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण में भी निहित है। अगर कोई बात कहता है तो उस पर क्वेश्चन करना ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण का हिस्सा है। ये बार बार और लगातार क्वेश्चन पूछने की क्रिया है, और इसलिए इसको कहते हैं कि वर्क इन प्रोग्रेस, के कार्य प्रगति पर है, अभी फिनिश नहीं हुआ है। अगर विज्ञान खत्म नहीं हुआ तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी खत्म नहीं हुआ है। एक और जो खास बात है वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ, जो विज्ञान के साथ साथ शायद ना हो, इतनी नहीं है, हो सकती है विज्ञान के साथ भी हो, कि वैज्ञानिक और किसी को वैज्ञानिक कहना और गैर वैज्ञानिक कहना, ये कुछ धारणा ना बेतुकी सी है। आदमी अनपढ़ भी होगा लेकिन उसका दृष्टिकोण वैज्ञानिक हो सकता है। सोचना, लॉजिकली सोचना और रैशनल सोचना, दोनों चीजें हो सकती हैं। मेरे पास उदाहरण है, मतलब मैं उदाहरण के तरीके से भी बोल सकता हूं कि जब गांव का गवाला, जो कभी स्कूल में नहीं गया, वो डार्विनिज्म की बात करता है, तो शायद उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, शायद उसने विज्ञान पढ़ा हो ना पढ़ा हो। और विश्वास, जो धर्म की बात, जो कार्ल मार्क्स ने धर्म की बात की थी, यहां ये कहा जाता है कि जो धर्म है या किसी चीज में विश्वास करना, वो हमारा व्यक्तिगत मामला है, वो वैज्ञानिक मामला नहीं हो सकता। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण में बात कही गई। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का जो एक और बात है कि एविडेंस, हमें सबूत चाहिए और एविडेंस बेस्ड हमें डिसीजन लेना होगा, तो तब हम जाके किसी वैज्ञानिक पद्धति की बात कर सकते हैं, जो कि एक विशेष पद्धति होगी। और इसीलिए इन सब चीजों को देखते हुए भारत के संविधान में 1976 में एक संशोधन में शामिल किया गया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A(h) में ये बात कही गई, टू डेवलप साइंटिफिक टेंपर, ह्यूमेनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, एंड दिस इज फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री। ये बात कही गई, इसको संवैधानिक तौर तरीका दिया गया। हालांकि रिलीजन की स्वतंत्रता भी हमारे संविधान में है, लेकिन ये जरूरत समझी गई 1976 में कि हमें इसे फंडामेंटल ड्यूटीज में डाला जाए, कि हर आदमी को साइंटिफिक टेंपर को प्रमोट करना है और उसका हिस्सा रहना है। ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज आज भी हैं। यही नहीं, सिर्फ फंडामेंटल ड्यूटीज तक बात नहीं रही, देश स्वतंत्र हुआ, अलग अलग चीजों ने शेप लेना शुरू किया। 1958 में साइंस पॉलिसी रिजोल्यूशन, एक संकल्प लिया गया, विज्ञान नीति संकल्प कहते हैं हम,
जब हम कि जीवन के किसी भी पहलू में, देश की तरक्की के सब पहलुओं में विज्ञान और वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने का संकल्प लिया गया कि हमें हर 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 पहलू में, चाहे वो रक्षा विज्ञान हो, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, उन सब चीज़ों में विज्ञान और वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने का संकल्प लेना ही पड़ेगा। और ये 1958 के विज्ञान नीति संकल्प में इंक्लूडेड था, और सही बातें थी, इनसे भी ज्यादा थे कि हमें शिक्षा में भी, कृषि में भी, उद्योग में भी, रक्षा के देश की रक्षा की जरूरतों को अगर पूरा करना है तो विज्ञान और विज्ञान से पे आधारित जो भी प्रौद्योगिकी है उसको सम्मिलित करना पड़ेगा और जनता को उसमें प्रशिक्षित भी करना पड़ेगा। ये प्रस्ताव था हमारे साइंस पॉलिसी रेजोल्यूशन में, और भी बातें थी, और इन सब बातों को देखते हुए जो साइंस पॉलिसी रिजोल्यूशन था उसके तहत देश के अंदर बहुत बड़े बड़े संगठन, वैज्ञानिक संगठनों का गठन किया गया, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये, जो आज सब लोग डीआरडीओ के नाम से जानते हैं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम आज सैटेलाइट्स की भी बात करते हैं तो मिसाइल्स की भी बात करते हैं तो डीआरडीओ सामने आता है, सैटेलाइट की बात करते हैं इसरो सामने आता है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस बनाया गया 1972 में, वो 1958 में डीआरडीओ बनाया गया था, और इसी तरीके से डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स बनाया गया, डिपार्टमेंट ऑफ डीएसटी बहुत लोग डीएसटी से परिचित हैं, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट पे बहुत चर्चाएँ होती हैं, तो हमारे यहाँ 1980 में डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट का गठन हो गया था। सिर्फ साइंस पॉलिसी रिजोल्यूशन से बात नहीं बनी, और हमने 1983 में टेक्नोलॉजी पॉलिसी स्टेटमेंट, एक वक्तव्य दिया गया कि सिर्फ साइंस और साइंटिफिक रिसर्च से काम चल जाएगा या हमें उससे, उस पर आधारित साइंस से जो टेक्नोलॉजी उत्पन्न होती है उसकी भूमिका क्या रहेगी। अगर हमें इमीडिएट हमें बेसिक रिसर्च करनी है तो हमें विज्ञान में जाना पड़ेगा, अगर हमें अप्लाइड रिसर्च करनी पड़ेगी तो हमें टेक्नोलॉजी तैयार करनी पड़ेगी, और टेक्नोलॉजी का इमीडिएट हमारा उसकी भूमिका रहती है कि हमें आर्थिक विकास के लिए प्रौद्योगिकी की भूमिका को पहचानना पड़ेगा, उसके महत्व को पहचानना पड़ेगा, और इसीलिए सारी प्रौद्योगिकी जो कि अप्लाइड रिसर्च पे बेस्ड हैं उनको हम इस्तेमाल करें और आगे बढ़ें। तो सिर्फ विज्ञान से काम नहीं चलेगा, एक टेक्नोलॉजी पॉलिसी स्टेटमेंट 1983 में आई जिसमें आर्थिक दृष्टि, ये क्यों हो पाया, हम टेक्नोलॉजी स्टेटमेंट की जरूरत क्यों पड़ी, एक शायद जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज थे उन्होंने क्या कहा कि जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं जो प्रौद्योगिकी में थोड़ा सा पीछे हैं उनसे, उनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ही नहीं करेंगे, ट्रांसफर करेंगे तो उसकी शर्तें बिल्कुल अलग होंगी। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखा गया कि विकसित देश ये कह रहे हैं कि हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करेंगे और हम चुप रहे, नहीं, अगर हमारे पास विज्ञान है, विज्ञान से टेक्नोलॉजी डेवलप की जाएगी और उनको उनके बराबर में आके खड़ा होना पड़ेगा। और शायद आज यही इस टेक्नोलॉजी स्टेटमेंट का मैं एक रिजल्ट मानता हूं, तो आज इसरो ने वो काम कर दिया जिसने इसरो को नासा के बराबर में लाके खड़ा कर दिया। अगर कोई इनकार करेगा तो दूसरा डेवलप करने के लिए तैयार हो जाएगा, और यह शायद चैलेंज था जिस चैलेंज को भारत ने भी स्वीकार किया। इसके बाद जो भी नीतिगत दस्तावेज और आत्मनिर्भरता, प्रौद्योगिकी के आधार पर मजबूत करना था, यह सब चीजें, सेल्फ रिलायंट होना है हमें टेक्नोलॉजी पे आधारित ही नहीं, टेक्नोलॉजी के लिए किसी पर भरोसा नहीं करना, हमें सेल्फ रिलायंट होना है। तो ये शायद कुछ बातें थी जिसने टेक्नोलॉजी स्टेटमेंट, जो टेक्नोलॉजी पॉलिसी स्टेटमेंट है, उसको ध्यान में रखते हुए हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बल दिया है। इन सारी चीजों ने हमें बल दिया ताकि हम विश्व में दूसरे देशों के बराबर आके खड़े हो सकें। इतना ही नहीं, इसके बाद 2003 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी आई, एक नीति बनाई गई,
जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा, एक जो खास बात जोड़ी गई उसमें कि ठीक है विज्ञान का विकास होगा, प्रौद्योगिकी का विकास होगा, लेकिन इस विकास के साथ साथ जरूरी है कि ये विज्ञान लोगों तक भी जाए, लोग इसको समझें और इसको अप्रिशिएट करें। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ समझें, विज्ञान चला जाए, इतना ही मतलब नहीं था, कि वो इस विज्ञान को समझें और इसको अप्रिशिएट भी करें। तो ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी और इसमें सोशल पर्सपेक्टिव भी होना चाहिए, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी स्टेटमेंट है। और जो हमारा विज्ञान और समाज तभी बहुमत के साथ हो सकता है जब विज्ञान लोगों तक पहुंचे, हाँ, और विज्ञान और प्रौद्योगिकी जन जागरूकता के लिए समर्पित है। इन सब चीजों को इस जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी पॉलिसी थी उसमें रखा गया था। तीन सरकारी डॉक्यूमेंट्स, लेकिन इन तीन सरकारी डॉक्यूमेंट्स के अलावा भी बहुत सारा काम हुआ साइंटिफिक टेंपर को लेके। और बहुत पहले, मैं कहूंगा कि बहुत पहले, 19 जुलाई 1981 को बॉम्बे में नेहरू सेंटर है, उसमें एक साइंटिफिक टेंपर वक्तव्य, जो स्टेटमेंट जाना जाता है साइंटिफिक टेंपर स्टेटमेंट 1981 की माना जाता है, वो दस्तावेज तैयार किया गया जिसका शीर्षक ही था साइंटिफिक टेंपर स्टेटमेंट। ये जारी किया गया, और ये जारी किसने किया, कोई वैज्ञानिक या मैं कहूं कि कोई सरकारी संस्था नहीं थी जिसने जारी किया। इसमें देश के बुद्धिजीवी, वैज्ञानिक, शिक्षाविद सब इकट्ठे हुए और उन्होंने ये स्टेटमेंट तैयार की कि साइंटिफिक स्टेट टेंपर में क्या क्या होना चाहिए, और इसके पूरे एक समूह में हस्ताक्षर किए गए। बहुत बड़े बड़े नाम थे इसमें, पीएन हक्सर, पीएम भार्गव, राजा रमन्ना, ओ सिद्दीकी, ये बहुत बड़े नाम हैं। और इन सब लोगों ने 1981 में साइंटिफिक टेंपर स्टेटमेंट को हस्ताक्षर किए गए, और इस एक थोड़ी सी आशा व्यक्त की गई कि साइंटिफिक टेंपर के ऊपर, साइंस वैज्ञानिक चेतना के ऊपर देशव्यापी एक बहस शुरू हो जानी चाहिए, और तभी सफल होगा वैज्ञानिक चेतना का सफर, कि जब तक इसको एक पुनर्जागरण का हथियार लेके हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक साइंटिफिक टेंपर स्टेटमेंट का काम पूरा नहीं होगा। और उसके लिए हमें एक आंदोलन के तरीके से काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बस स्टेटमेंट जारी कर दी और लोग पढ़ें और उसका इस्तेमाल करें, नहीं, इसको और आगे ले जाने के लिए उन्होंने ये काम किया। विज्ञान की पद्धति को वैज्ञानिक जो साइंटिफिक टेंपर स्टेटमेंट में, उसमें बहुत बड़ी जगह दी गई कि हम जो भी काम करें वो वैज्ञानिक तरीके से काम करें। बिल्कुल जो विज्ञान का तरीका होता है कि पहले हम सोचें, देखें, सोचें, परिकल्पना करें और सारी चीज़ें करें और एक्सपेरिमेंट भी करें और एविडेंस बेस्ड डिसीजन लें, तो वो सारी चीज़ों को इसमें डाला गया। ये सिर्फ ऐसा नहीं था कि ये साइंस के लिए ही होता है, हम सामाजिक अध्ययन, समाज को अगर हमने सीखना है उसके लिए भी हम वैज्ञानिक तरीके को इस्तेमाल करें। और इसीलिए फिर उसके बाद हमने सामाजिक विज्ञान कहना भी एक अच्छा लगा कि हम सोशल साइंसेज की बात करें, सोसाइटी की बात ना करें। तो सोशल साइंसेज की एक जो बात आई वो इस स्टेटमेंट के बाद शुरू किया। इसमें जो शायद डार्विन ने भी कही थी, या जो विज्ञान का तरीका है, आप प्रश्न पूछ सकते हैं और आपकी बात पे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, दोनों ही चीजें निहित होंगी। और आज के लिए ये साइंस ठीक है, बस कल को वो बदल सकती है, क्योंकि कोई ना कोई क्वेश्चन करेगा तो दूसरी चीजों को उसमें सम्मिलित करेगा। आज आइंस्टाइन की थ्योरी को भी आइंस्टाइन की थ्योरी के तरीके से नहीं, अंतिम शब्द नहीं माना जाता है, उसमें भी संशोधन है, न्यूटन में भी संशोधन है। तो हर चीजों को क्वेश्चन किया गया है, और क्वेश्चन करना और जो
आखिरी बात कही गई है उसको भी क्वेश्चन करना और उसको एक्सेप्ट करना, सिर्फ क्वेश्चन करने से काम नहीं चलेगा, क्वेश्चन को एक्सेप्ट करना, ये शायद हमारे साइंटिफिक टेंपर स्टेटमेंट का हिस्सा थी। क्या हुआ है इसके बाद, क्योंकि सब चीजें जब हम कोई चीज जारी करते हैं तो हम उसके सामाजिक परिप्रेक्ष्य में भी देखते हैं और अपने देश के परिप्रेक्ष्य में तो जरूर देखा जाता है। तो ऐसा नहीं था कि साइंटिफिक टेंपर स्टेटमेंट आई और उसको सबने मान लिया, क्वेश्चन उठना लाजमी है तो साइंटिफिक टेंपर स्टेटमेंट पे भी प्रश्न उठे। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि ये बहुत एक्सप्रेशन वाली चीज नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्रेस नहीं किया गया, बहुत अच्छी तरीके से आर्टिकुलेट नहीं किया गया है इस स्टेटमेंट को, इसमें एक विशेष ज्ञान प्रणाली पे ज्यादा जोर दिया गया है, सामाजिक पद्धति तो कुछ और है, उसमें विज्ञान कहीं काम करता है कहीं काम नहीं करता है, तो लाजमी था उठना और प्रश्न उठे। ये सारे प्रश्न जो हैं ये सिर्फ प्रश्न ही नहीं उठे, आपत्तियां भी उठी। जब समाज की बात आती है तो आपत्तियां भी उठती हैं, क्योंकि उसने साइंटिफिक टेंपर स्टेटमेंट ने सारी जो भारतीय संस्कृति या परंपरा कहें, ट्रेडिशंस कहें, ट्रेडिशनल नॉलेज कहें, तो उसकी उसको नकारा, अगर ये कहें। लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि सारे जो आज के डेवलपमेंट्स हैं वो शायद ट्रेडिशन से ही आए हैं, संस्कृति और ट्रेडिशन उन सारी डेवलपमेंट्स का हिस्सा रहते हैं, इंक्लूडिंग हमारे विज्ञान की डेवलपमेंट्स जो हैं। और इसको इसमें बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है, विज्ञान की परंपराओं को और सामाजिक परंपराओं में एक सामंजस्य बैठाना बहुत जरूरी है, ये जो कि उस साइंटिफिक टेंपर स्टेटमेंट में नहीं था, इसमें कोई प्रयास नहीं किया गया इसका। और भी लोग कहते हैं कि इस स्टेटमेंट ने विज्ञान को धर्म के अगेंस्ट में खड़ा कर दिया, हालांकि धर्म अपनी इंडिविजुअल बात, पहले कहा गया है कि बहुत इंडिविजुअल बात है, हमारा किसी चीज़ में विश्वास बिल्कुल अलग चीज़ है और विज्ञान बिल्कुल अलग चीज़ है। विज्ञान को यूनिवर्सल इसलिए कहा जाता है कि विज्ञान सबके लिए समान प्रमाण देता है, कुछ भी एविडेंस के बेसिस पे हम रिजल्ट निकालते हैं वो सब जगह समान होते हैं, वो शायद रिलीजन के साथ नहीं होता है, लेकिन क्योंकि हम भारतीय परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, ये स्टेटमेंट धर्म के विरुद्ध है, इसीलिए इसको नकार देना चाहिए, ऐसा लोगों ने कहा, कुछ लोगों ने कहा। और जो लोगों में सामूहिक ज्ञान है वो शायद एक अलग तरीके का विज्ञान है, और इसको ये भी कहा कि कुछ वेस्टर्नाइज्ड हो जाएंगे अगर हम इस वैज्ञानिक जो साइंटिफिक टेंपर स्टेटमेंट को करेंगे तो हम थोड़े से पाश्चात्य शैली में चले जाएंगे, वेस्टर्नाइज हो जाएंगे, ये हमारी पद्धति के खिलाफ नहीं है, ये कुछ विचारधाराएं बिल्कुल अलग हैं जिसका विज्ञान, हाँ सामाजिक विज्ञान, सामाजिक प्रणालियां कुछ ऐसी हैं जिनका विज्ञान से कम मतलब है, तो इसमें उसको निहित नहीं किया गया। ये बिल्कुल शहर से केंद्रित है, गांव से कोई लेना देना नहीं है इस स्टेटमेंट का, ये भी कहा गया। और कुछ और भी बात कहा गया कि जो कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज हैं उनको उनके उनसे ज़्यादा उनके बारे में नहीं सोचा गया, लेकिन बयानबाजी ज़्यादा की गई है। और एक बहुत बड़े विचारक हैं हमारे देश के अंदर, आशीष नंदी, उन्होंने तो कहा कि ये बिल्कुल बेकार चीज़ है, और उन्होंने एक काउंटर स्टेटमेंट दे दी, एक काउंटर स्टेटमेंट ऑफ ह्यूमनिस्टिक टेंपर, कि आदमी में दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए इसके ऊपर बात होनी चाहिए, ना कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। और उन्होंने कहा कि ये जो साइंटिफिक टेंपर स्टेटमेंट है ये तो बहुत ही आदमी के टेंपर की अवमानना करती है, इसको आदमी के टेंपर को नहीं मानता है इसलिए इसको नहीं मानना चाहिए। तो बात वहीं तक नहीं रुकी, साइंस भी नहीं रुकती है, तो वैज्ञानिक जो साइंटिफिक टेंपर स्टेटमेंट थी वो 1981 में खत्म नहीं हो गई। फिर देश के वैज्ञानिक मिले, देश के शिक्षाविद मिले, देश के विद्वान मिले, और 2011 में पालमपुर में चार देश की जो वैज्ञानिक संस्थाएं हैं जो विज्ञान संचार का काम करती हैं उनके लोग मिले, और उन्होंने बहुत सारे शिक्षाविदों को, उसमें खास बात ये थी कि दो आदमी ऐसे भी आए जो 1981 में इस स्टेटमेंट पे जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे,
पीएम भार्गव जी आए और उबैद सिद्दीकी जी आए और उन्होंने कहा कि नहीं, इसको रिवाइज करते हैं, रिविजिट करते हैं, देखते हैं इसमें क्या खामियां रह गई, उनको पूरा करते हैं। और बिल्कुल वैज्ञानिक तरीका अपनाया गया। और इस स्टेटमेंट को यही नहीं था कि ये स्टेटमेंट रह गई हो, मतलब वहीं तक रह गई हो, नहीं, 2011 में ये स्टेटमेंट तैयार की गई और 2012 में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई, साइंस कम्युनिकेशन फॉर साइंटिफिक टेम्पर। उसमें देश विदेश के बहुत सारे वैज्ञानिक और सामाजिक वैज्ञानिक भी आए और उन्होंने इस स्टेटमेंट को एंडोर्स किया कि हाँ, ये स्टेटमेंट शायद ठीक है। इसमें सबसे पहली जो बात थी कि व्यवहारिक ज्ञान को, पारंपरिक ज्ञान को बिल्कुल नकारा नहीं, उसमें उसको जगह देने के बारे में सोचा गया कि नहीं, हमारा जो विज्ञान है वो व्यवहारिक ज्ञान से ही उत्पन्न हुआ है तो हम उसको बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, तो हमें एक बैलेंस बनाना ही पड़ेगा विज्ञान और समाज के बीच में। तो इस तरीके का परिचय देते हुए जो पुराने स्टेटमेंट में शायद लिमिटेशंस रह गई थी वो शायद उस तरीके से पूरी करने की कोशिश की गई। एक और खास बात जो होती है कि जब हम विज्ञान की बात करते हैं और समाज की बात करते हैं, और सिर्फ विज्ञान की बात करें, समाज की बात ना करें, तो हमारे समाज के अंदर एक खामी आ जाती है, एक लैकुना आ जाता है, एक स्पेस क्रिएट हो जाता है और उस स्पेस को कोई भी भर सकता है। तो इसीलिए इन दोनों में एक सामंजस्य बैठाना जरूरी है कि जहां विज्ञान है वहां विज्ञान है और इसको सामाजिक तरीके से हम कैसे इसमें निहित कर सकते हैं समाज को भी, तो उस तरीके की बात को कोई और ना भर पाए, हम अपने ही जो क्रिएट किया है, जो गैप क्रिएट हुआ है, उसको कोई दूसरा ना भर पाए। इसीलिए हम, किसी ने कहा कि ये शायद दूसरा रेनेसां होगा, पुनर्जागरण होगा, है उसके द्वारा भर सकते हैं, तो शायद ये बातें कही गई। इन सब चीजों के बावजूद भी देश में सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी देश के अंदर, हमारे समाज के अंदर अंधविश्वास भी हैं और अवैज्ञानिक विश्वास भी हैं। जरूरी बात है कि एक अभियान तो छेड़ना ही पड़ेगा। आज का जो दृष्टिकोण का मतलब यही है कि एक मुहिम छेड़नी पड़ेगी जिससे अंधविश्वास और अवैज्ञानिक मान्यताओं को कोई गति ना मिले और लोग लॉजिकली सोचें, रैशनल तरीके से सोचें, और जहां भी कोई गलत बात है उसका वैज्ञानिक स्पष्टीकरण अगर हो सकता है तो जरूर दिया जाना चाहिए और उसकी आवश्यकता आज के दिन बहुत जरूरी है। लोग अलग अलग तरीके अपना लेते हैं कि इससे भी काम चल जाए, विज्ञान से भी काम चल जाए और अंधविश्वास से भी काम चल जाए, लेकिन कहीं उठ के हमें कहना पड़ेगा कि नहीं, बस बहुत हो चुका अंधविश्वास, अब उसके बारे में नहीं बात करेंगे। जब भी हम रॉन्ग बिलीफ्स की बात करते हैं तो कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि हम हर चीज की कोई वैज्ञानिक परिभाषा नहीं दे सकते, कोई प्रमाण नहीं दे सकते, तो उसको समाज के तरीके से सोचें, हम विज्ञान के तरीके से नहीं सोचें, तो विज्ञान समाज के तरीके से सोचें। इसमें कोई सामंजस्य बैठाने की बात है, ना कि हमने विरोध करने की बात है। और धर्म और विज्ञान लड़ाई के लिए नहीं है। जो चीज, जो विश्वास धर्म से चलता है वो धर्म से चलता है, जो विज्ञान से चलता है वो विज्ञान से चलता है। विश्वास व्यक्तिगत हो सकता है, स्वतंत्र हो सकता है, उसके वो क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि इसकी जो हमें परमिशन देता है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन देता है। हमें धर्म, कोई भी भी धर्म विश्वास अपनाए हम, ये भी, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी या फंडामेंटल ड्यूटीज ये कहती है कि हम साइंटिफिक टेम्पर भी कभी वो करें। तो दोनों चीजों को हमें एक तरीके से उसमें सामंजस्य बैठाने की जरूरत है। विज्ञान के बारे में मैं बात कह दूं, एक और बात कह दूं कि विज्ञान पूर्ण नहीं है, ये इसकी कमजोरी नहीं है, ये इसकी बहुत बड़ी ताकत है। इस ताकत को पहचानना चाहिए। इसलिए कहा कि जब विज्ञान कोई एक चीज के बारे में बताता है तो उसके बारे में 10 प्रश्नों को जन्म देता है, वो शायद विज्ञान की सबसे बड़ी ताकत है। इसको समझना चाहिए, इसको समझ के हमें उसको अपने आर्थिक
और उससे उत्पन्न जो हमारी प्रौद्योगिकी हैं, विज्ञान से जो बनी प्रौद्योगिकी हैं, उसको हमें बिल्कुल अपनी आर्थिक विकास के लिए, हमें सामाजिक विकास के लिए काम करना चाहिए, और जिन चीज़ों को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं उनको जरूर एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा। ये और कुछ धारणाएं भी विज्ञान को लेके, ऐसी ऐसी धारणाएं भी फैलाई जाती हैं कि विज्ञान तो विनाश के लिए है। शायद मैं आज ये बात कह सकता हूं कि विज्ञान ने कभी नहीं कहा कि न्यूक्लियर बॉम्ब और एटम बम बनाना है। साइंस ने नहीं कहा, साइंस ने कहा कि एनर्जी और मास को आपस में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब आप उससे क्या करते हैं, ये शायद आदमी की जरूरतें हैं। विज्ञान ने कभी नहीं कहा, लेकिन इस तरीके से वो किया जाता है कि विज्ञान तो विनाश के लिए ही बनाया गया है। जैव प्रौद्योगिकी की बात करें, बायोटेक्नोलॉजी की बात करें, तो वो कहें कि नेचर में सबसे बड़ा हस्तक्षेप जैव प्रौद्योगिकी का है। शायद जैव प्रौद्योगिकी ने कभी ये नहीं कहा। उसने कहा कि जीन को अल्टर करके आप बहुत सारी बीमारियों को दूर कर सकते हैं, उनको तो कर लीजिए, है ना। ये हमारी कुछ विडंबनाएं हैं जो विज्ञान के साथ भी हैं। ऐसा नहीं है कि भाई इन सारी विडंबनाओं को, निहित स्वार्थों को हमें वैज्ञानिक चेतना के द्वारा दूर करना ही पड़ेगा। और जो वैज्ञानिक चेतना के मूल स्वरूप हैं उन पे जो आघात करता है, उनका विरोध करना जरूरी हो जाएगा। तो और जागरूक करने के लिए जन जन तक हमें साइंस के तरीकों को, साइंस के जो चेतना की बातें हैं, वो साइंस वो हर लोगों तक ले जानी पड़ेंगी। उसके लिए हमें अपने माध्यम और अपनी प्रक्रिया को वो करना पड़ेगा। इसके लिए मैं बता दूं, देश के अंदर ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हुआ है कि वैज्ञानिक चेतना को विकसित करने के लिए कुछ नहीं किया गया। मैंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की बात करी, लेकिन आज के दिन अगर बात करें तो चार देश के अंदर ऐसे संस्थाएं हैं जो विज्ञान का संचार करती हैं, विज्ञान कम्युनिकेट करती हैं, लेकिन उसके साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी बढ़ावा देते हैं। NCSTC, नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन, ये DST का हिस्सा है और देश के अंदर बहुत बड़ा काम करती हैं। और शायद 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, वो NCSTC के प्रयासों का है, प्रयास से है। और मैं एक पूर्ण सूर्य ग्रहण की बात करूं, पिछली सदी में लगा था और नीम का थाना राजस्थान में एक जगह है, वहां पे लोग इकट्ठा हुए थे। मैंने उससे पहले इतना अच्छा नज़ारा नहीं देखा था कि इतने सारे लोग पूर्ण सूर्य ग्रहण को देखने के लिए बाहर निकलें। उसमें औरतें भी हैं, आदमी भी हैं, बच्चे भी हैं, सभी लोग निकले, और ये शायद पूरे NCSTC के प्रयासों से हो पाया था। तो ये शायद हम अंडरस्टैंडिंग से ज़्यादा हम साइंटिफिक टेम्पर की तरफ ले जाने के जो प्रयास हैं। विज्ञान प्रसार, आज के दिन विज्ञान प्रसार है, जिसने DD साइंस और इंडिया साइंस को शुरू किया है, बहुत रिसेंटली शुरू किया है। विज्ञान प्रयास अपने बहुत सारे प्रयासों से, बहुत सारे किताबें लिखी हुई हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं जो वैज्ञानिक समझ भी देते हैं और वैज्ञानिक चेतना को भी जागृत करते हैं। CSIR में एक संस्था है, NISCARE, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। वो आज से नहीं, पिछले 70 साल से साइंस रिपोर्टर विज्ञान प्रगति, और वो पहली संस्था है जो उर्दू में भी एक पत्रिका निकालती है। ये पहली एक संस्था है, और शायद मैंने नहीं सुना। इसी तरीके से नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम है, आज देखते हैं कि बहुत सारे म्यूजियम्स हैं हमारे देश के अंदर, वो शायद इसी संस्था के अंदर आते हैं, जो बिल्कुल विज्ञान की समझ को अपने हाथों से करके देखिए। बच्चे म्यूजियम में जाते हैं और अपने हाथों से बहुत सारे काम करते हैं, उनकी समझ भी बढ़ती है और उसमें वैज्ञानिक चेतना का भी विकास होता है। सिर्फ इतना ही नहीं है, और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो इस तरफ काम करती हैं। KSSP का नाम बहुत बड़ा है, केरल में विज्ञान जत्था को चलाने वाले लोग जो हैं वो शायद इन्हीं संस्थाओं से जुड़े हैं। लोग ऐसे भी हैं जो इंडिविजुअल, नरेंद्र डबोलकर की बात करें तो उन्होंने वैज्ञानिक चेतना जगाने के लिए पूरे महाराष्ट्र में एक मुहिम चलाई थी। ये सारे पर्सनल एफर्ट्स भी हैं जो इस तरफ काम कर रहे हैं, और
शायद इन प्रयासों से हम शायद अपनी वैज्ञानिक समझ को भी बढ़ा सकते हैं, वैज्ञानिक चेतना को भी बढ़ावा दे सकते हैं। सिर्फ ये जो अदर एफर्ट्स हैं या दूसरे लोग काम करते हैं, ये बहुत सारी संस्थाएं और बहुत सारे इंडिविजुअल ऐसे हैं जिनको ये ऊपर जो चार मैंने बात कही संस्थाएं हैं, ये इनको सपोर्ट करती हैं, इनको पूरा सपोर्ट देती हैं पैसे के हिसाब से भी, और वैज्ञानिक जो इनपुट्स हैं वो भी दी जाती हैं कि आपको अगर कोई बात समझनी है और आप समझना चाहते हैं और आगे तक ले जाना चाहते हैं तो आप किसी भी संस्था से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और उनके पास जो भी आज तक की वैज्ञानिक विकास हुआ है उसके आधार पे जो भी लास्ट बात है वो उसको उनके उनसे ले सकते हैं और उसको आगे आप फैला सकते हैं। एक जो बात कही गई थी, ये शायद साइंस एंड पॉलिसी रेजोल्यूशन जो 2003 का था, जिसमें बात कही गई थी जन जन तक ले जाने की है। ये चारों ही संस्थाएं ऐसी हैं जो ये काम करती हैं कि जन जन तक विज्ञान को कैसे ले जाया जाए, ये उस पर काम करती हैं। और शायद हमारा देश सामाजिक जो ढांचा होता है वो बहुत जटिल होता है, आप आज के दिन क्या है और कल बदल जाए, जैसे साइंस में बदलता है समाज बहुत जल्दी बदलता है। एक ही आदमी एक टाइम पे बहुत वैज्ञानिक होता है, दूसरे टाइम पे बहुत अवैज्ञानिक हो जाता है, तो बहुत जटिल है वो काम। तो समाज में साइंस ले जाना और साइंस वैज्ञानिक दृष्टिकोण ले जाना है थोड़ा जटिल, लेकिन नामुमकिन नहीं है, इसलिए प्रयास जारी हैं। और इस मुहिम को अगर हमें आगे ले जाना है तो सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए।